आप लाइफ जैकेट को पहने पहनिए, उसके बाद जाइए। एयर बैलून और टॉयज बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे। ये चीज़ आप लोगों ने देखा, इधर छोटे बच्चे खेल रहे हैं और इस साइड में बड़े बच्चे खेल रहे हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे फैमिली को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज एक बार फिर से मैं जा रहा हूँ बलिया के सुरहा ताल में, और वहाँ का माहौल आपको आज दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हैं, सुरहा ताल आते समय जैसे ही आप बलिया से सिकंदरपुर वाला जो रोड है, तो बलिया से 5-6 किलोमीटर आगे आने के बाद पड़ता है धरहरा, और धरहरा के लिए जो रास्ता मुड़ता है उस वहाँ से 4 किलोमीटर अंदर आने के बाद जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी पड़ता है, और यही चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी की बाउंड्री है, और इसी के पार सुरहा ताल पड़ता है जिसको सुरहा लेक बोला जाता है, सुरहा झील बोला जाता है, आप जो भी चाहें इसको बोल सकते हैं। और ये रोड है, कुछ ऐसा माहौल है, लोग लगातार जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं पूरी फैमिली है, ई रिक्शा से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं कंटिन्यू, और चलते हैं, पहुँचने के बाद आपको दिखाते हैं वहाँ पर आज क्या माहौल है। गाइस, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको ढेर सारी चीज़ें जानने को मिलती है। आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक कर दिया करिए, आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे उसके लिए कमेंट कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अभी हम जा रहे हैं, अभी साइलेंट सा माहौल है, और सुबह के लगभग 12 बजने वाले हैं, 5 मिनट कम है, 12 बजने वाले हैं दोपहर के, और देखते हैं आगे कैसा माहौल है। अभी तो बहुत साइलेंट माहौल है, काफ़ी ठंड है, दूर दूर तक कुहेसा पड़ा हुआ है, ठंडी का कोहरा चारों तरफ पड़ा हुआ है। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको माहौल कैसा है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, यह उसका गेट है, और इसके वजह से हमारे बलिया में एजुकेशन फील्ड में थोड़ी सी बढ़ोतरी आई, तो अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा, हर शहर में ऐसा कुछ ना कुछ होता है। तो हम सुरहा ताल पहुँच चुके हैं और एंट्रेंस पे अंदर एंट्री कर चुके हैं, पीछे देख सकते हैं फोर्स लगी हुई है सेफ्टी के लिए, और आज स्पेशल डे है तो पब्लिक ज़्यादा आएगी उसको कंट्रोल करने के लिए, और ये पार्किंग वाली बाउंड्री है, इसके अंदर गाड़ी खड़ी है, और जो भी आया है इसके अंदर पार्किंग किया है, और काफ़ी फैमिली जा रही हैं, और इधर देख सकते हैं कई सारी दुकानें भी लगी हुई हैं, अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई हैं, खाने पीने से लेकर और अलग अलग चीज़ों की दुकानें। माहौल अच्छा है, अभी बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं आई है जितना आना चाहिए था, क्योंकि हर साल हमने देखा इतनी खचाखच भीड़ रहती है कि पूरा जाम हो जाता है, लेकिन आज ऐसा कुछ माहौल नहीं है, बट है अच्छा लग रहा है, फिर भी लोग आए हुए हैं अपनी अपनी फैमिली के साथ और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, अच्छी अच्छी दुकान ले, खाने पीने की ज़्यादा दुकानें आप लोग देख सकते हैं, इधर भी देखो छोला चाट चाउमीन इन्हीं सब चीज़ों की दुकानें हैं, इधर भी देख सकते हैं, इधर पेस्ट्री की दुकानें केक की दुकानें हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ भी, बट इससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए था, जितना हमने सोचा था उतना नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छा माहौल होना चाहिए था यहाँ पे, दुकानें ज़्यादा देख रही हैं, लोग कम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इधर देख सकते हैं बच्चों के लिए वही जंपिंग वाला बैलून, एयर बैलून और टॉयज बच्चों को खेलने के लिए, यहाँ पे बच्चे जंपिंग करते हैं, और इधर देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये चीज़ आप लोगों ने देखा, इधर छोटे बच्चे खेल रहे हैं और इस साइड में बड़े बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है केवल छोटे बच्चों के लिए ही है, बड़े बच्चों के लिए भी है यहाँ पे, अब उतने भी बड़े नहीं फिर भी 14-15 साल वाले लड़के भी, इनको भी देखा आपने, छोटे बच्चे बड़े बच्चे हर तरह के बच्चे यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, आज 1 जनवरी ऐसा होता ही है, सबके लिए खुशियों का माहौल होता है, खुशियों का दिन होता है, और हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हैप्पी हंसते हंसते खुश रहते हुए न्यू ईयर की आप सभी को बधाई, और सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, स्कूल से भी बच्चे आए हुए हैं, कॉलेज की तरफ से भी आए हुए हैं, फैमिली की तरफ से भी फैमिली से आई हुई है, अच्छा माहौल है, डेली से ज़्यादा भीड़ लग रहा है, क्योंकि सुबह सुबह 11 बजे इतना भीड़ नहीं रहता था यहाँ पे, बट आज लोग स्पेशली आए हुए हैं इंजॉय करने के लिए, ग्रुप्स में आए हुए हैं, लड़के अपने ग्रुप्स में आए हुए हैं, लड़के अपने ग्रुप्स में आए हुए हैं, फैमिली मेम्बर है, आप देख सकते हैं इधर कितनी भीड़ है, एक बार इधर की भीड़ देखिए आप, भीड़ देख के समझ सकते हैं काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पर। हमारा दिखाना
कल हमने बोटिंग करके आपको दिखाया था और बोटिंग वाली वीडियो दिखाई थी। आ चुके हैं वापस और आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और काफ़ी ज़्यादा माहौल है, फैमिलीज आई हुई हैं घूमने के लिए, व्यक्ति की पूरी व्यवस्था है, लाइफ जैकेट भी पहनाई गई है सबको। आइए पास से दिखाते हैं आपको, सभी के लिए लाइफ जैकेट्स अवेलेबल हैं, आप लाइफ जैकेट को पहने पहलिए उसके बाद जाइए। देखिए ये लोग वापस आ चुके हैं, अभी जा रहे हैं, लोग लाइफ जैकेट पहन रहे हैं और ये लोग वापस आ रहे हैं। बीच में बैठने को बोला था, बीच में रखिएगा और भैया ठाला नंबर के बा 18 नंबर घर।